हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर, स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। अभी देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में वैकेंसी के बारे में। एक वैकेंसी आई है जिसमें स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, गुड्स कार्ड्स और भी कॉमर्शियल टिकट क्लर्क, बहुत सारी वैकेंसी है। बात करें टोटल वैकेंसी लगभग 2000 वैकेंसी है। तो आपके लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, टोटल एक एक चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। अगर जो आप रेलवे की तैयारी करते हैं या फिर रेलवे का फॉर्म भरे हैं और रेलवे का एग्जाम इन फ्यूचर देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें देखिए लिखा है नौकरी का एक और मौका तो यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले एक चीज़ हम बात करना चाहते हैं कि आप लोग ग्रुप डी का जॉब है या ग्रुप डी का जॉब कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं या फिर आपकी ग्रुप डी की नौकरी लगने वाली है। आपके मन पर डाउट आता है कि हमें ज़िंदगी भर ग्रुप डी की ही नौकरी करनी है या फिर हमें प्रमोशन मिलेगा या फिर हमें रेलवे के अंदर डिपार्टमेंटल वैकेंसी होगी उसमें चांस मिलेगा हमें अच्छी नौकरी पाने का। तो जी हाँ, तो डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी आती है और आज इस वीडियो में अब एकदम क्लियर हो जाएगा डिपार्टमेंटल वैकेंसी कैसी आती है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है जनरल डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम GDCE द्वारा निकाली गई 2019 के लिए, इसमें रेलवे डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट आया है RRC की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए। कौन कौन सी पोस्ट है आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें टोटल जो फॉर्म भर सकते हैं एलिजिबिलिटी की, सबसे पहले यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है ओनली रेलवे एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर GDCE, यानी कि जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि ग्रुप डी में जॉब करते हैं और आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। आपको पता होना चाहिए कोई भी कैंडिडेट एक बार जॉब लग जाता है तो लगभग लगभग पढ़ाई करना छोड़ ही देता है और उतना मेहनत नहीं करता। तो आप अगर जो ग्रुप डी की जॉब कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा पढ़ाई करना मत बंद करिएगा क्योंकि आपको मौके बहुत मिलने वाले हैं। अब देखिए इसमें एम्प्लॉय होना चाहिए रिलेटेड रीजन में, उसके बाद 10+2 जो क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट बोर्ड, और उसके बाद पोस्ट वाइज वैकेंसी जो भी एलिजिबिलिटी होगी वो आपको क्राइटेरिया होना चाहिए पास, जो डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा उनके लिए। जो फॉर्म की फीस होती है जनरल OBC WS के लिए एक भी रुपया नहीं, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए एक भी रुपया पेमेंट नहीं, यानी कि एप्लीकेशन फीस जो है वो जीरो है। अब यहाँ में जो भी डिटेल में आएगा वैकेंसी नोटिफिकेशन में मिलेगा। ये देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं वैकेंसी के लिए पोस्ट भरने के लिए। तो यहाँ पे देखें जो जूनियर RRC SW की बात करें, SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो इसमें देखेंगे तो 3 वैकेंसी है, एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, एक स्टेशन मास्टर है, एक गुड्स गार्ड है। टोटल पोस्ट की बात करें 179 यानी कि 180 के समथिंग पोस्ट है। एज 18 से 40 साल मांगा गया है 1/7/2019 से, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन बिगेन 24 तारीख से 24 जून से आप फॉर्म को भर सकते हैं। कब? 24 जून से, और लास्ट डेट है 15 जुलाई यहाँ पे फॉर्म भरने की। उसके बाद बात करें RRC वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी मिल जाती है, 725 वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क, गुड्स गार्ड्स, सीनियर कमर्शियल क्लर्क, स्टेशन मास्टर, ये सारी वैकेंसियाँ मिल जाती है। टोटल पदों की बात करें वेस्टर्न रेलवे में RRC मुंबई में 725 हैं, और इसमें देखिए 1 जुलाई से फॉर्म फिलअप शुरू होगा और 30 जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट, यानी कि 30 दिन टोटल मिले फॉर्म फिलअप करने के। तो ये है डिपार्टमेंटल वैकेंसी रेलवे की। अगर जो आप डिपार्टमेंट में हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से एक चीज़ आपका क्लियर हो गया, हाँ रेलवे में डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है। रेलवे में हमें मौका देता है कि हम डिपार्टमेंट में यानी कि ग्रुप डी का जॉब कर रहे हैं तो हम प्रमोशन जल्दी ले सकते हैं पढ़ाई करके, मेहनत करके। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, अगर जो आप रेलवे के एम्प्लॉय हो और आप इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कहीं पर भी कोई डाउट हो तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।